नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी बहनों के लिए है, खासकर भाइयों दूर रहना इससे। और ये वैकेंसी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, जिसे आप लोग एएनएम की वैकेंसी के लिए जानते हो। लगभग 9000 पदों पर इससे पूर्व में वैकेंसी आई थी और उसके बारे में आप लोगों ने देखा था कितनी आसान तरीके से लोगों का चयन हुआ था, कितनी बेहतरीन तरीके से लोगों का चयन हुआ था, कितनी बेहतरीन तरीके से सबको नौकरी मिली थी। एक फिर बहुत बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है और इस बार लगभग 6000 पदों पे 5752 पद, अगर आप सॉरी 6000 लगभग 5000 पदों पे बोलेंगे 5272 पद आपके एएनएम के लिए फिर से आ रहे हैं। और ये 5000 पद भी कम नहीं होते हैं, अभी तक जो अधियाचन मिले 5272 मिले, लेकिन ये बढ़ के 6000 हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बढ़ नहीं सकते, क्योंकि जो समय आज की डेट तक बोला जाए तो आज की डेट तक जो अधियाचन आए हैं अभी तक जो रिक्त सीटें हैं वो कितने हैं, 5272 है। लेकिन ये जो आपकी वैकेंसी आनी है ये पीईटी 2023 के आधार पे आनी है और ये वैकेंसी आने में अभी हो सकता है 1-1.5 महीना लगे। 1-1.5 महीने में कुछ और भी अधियाचित पद जुड़ेंगे तो हो सकता है ये वैकेंसी 5.5 से 6000 के बीच में आए। तो फिर से आप लोग खुश हो जाइए, एएनएम की वैकेंसी आ रही है। अब सबसे बड़ी बात, जब कोई नई वैकेंसी आती है तो एक सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या इस वैकेंसी में एज पूछा जाएगा, इस वैकेंसी में हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है, सिलेबस इस बार क्या होगा, क्या पिछला जो सिलेबस था वही रहेगा, और अगर जो पिछला सिलेबस था वो क्या था, हमें क्या पढ़ना होगा, कौन सी किताब पढ़नी होगी, नोटिफिकेशन आखिर इसका कब आ जाएगा, कब इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे, फॉर्म हम कब इसके भर सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी एग्जाम डेट क्या होगी, हमें कितना तैयारी करने का समय मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हम सब कुछ कर लें, हम फॉर्म भी भर दें, हम तैयारी भी कर लें, हम पेपर भी दे आए तो कितना नंबर ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन तमाम बातों की जानकारी के लिए मैं इस सेशन को आप सभी के लिए लेके आया हूं। और आपको, मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और वीडियो पसंद भी आए तो लाइक को सेशन को लाइक अवश्य करिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा भी करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि एएनएम भर्ती के बारे में टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोग के लिए लेके आई है, बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोग के लिए करवा रही है टीम परीक्षा प्लस। अगर हम लोग बात करें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आधार पर प्रस्तावित नए विज्ञापन, ये अभी यूपी ट्रिपल एससी का माननीय योगी जी के साथ मीटिंग था, उसमें तमाम भर्तियों के उन्होंने जिक्र किया। लगभग 11,805 पद जो नए पीटी 2023 के आधार पर आने वाले हैं, 20,000 लगभग आ चुके हैं, 11,000 लगभग और आ रहे हैं। और ये 11,000 पद में अगर आप देखोगे तो परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जिसे आप एएनएम के नाम से जानते हो, 5272 पद अभी तक अधियाचित मिल चुके हैं, प्रस्तावित नए विज्ञापन पे हैं। ये बढ़ भी सकते हैं, मैं कह रहा हूं नहीं भी बढ़ रहा है तो 5272 लगभग 5300 पद कम नहीं होते, बहुत ज्यादा पद होते हैं। लेकिन इस बार पिछले बार से चीजें थोड़ी सी अलग रहेंगी। अगर पिछले बार की बात किया जाए तो पिछले बार 9212 पद थे, इस बार लगभग 5300 पद हैं, तो मैं आधा तो नहीं बोलूंगा, आधे से ज्यादा लगभग 60% पद पिछली बार के, पिछली बार की वैकेंसी पहली बार थी, तो जब कोई चीज पहली बार होती है सदी में तो ये मान के चलो कि वो उसमें ज्यादा वैकेंसीज होती है। लेकिन दूसरी बार भी 6000 वैकेंसी, लगभग 5200 वैकेंसी, 5300 वैकेंसी, कम वैकेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सैलरी की बात किया जाए तो भाई सैलरी ये 21,700, ये वेतन बैंड है, वेतन ग्रेड पे है ना, लेवल 3 की जॉब है और लेवल 3 की जॉब में अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है। मान के चलिए कि इन हैंड आपकी जो स्टार्ट होगी वो 31-32 से इन हैंड स्टार्ट होगी, लेवल 3 की बात किया जाए 34-35 भी अगर हम सारे अलाउंसेस को सब कुछ ले लें, और एक ही साल में आप 40 के करीब आ जाओगे, तो ये मान के चलिए कि 21,700 से लेके 69,100 ये आपका वेतन बैंड होता है और ग्रेड पे लेवल 3 होता है इन हैंड सैलरी। इसके बाद आपका जैसे 21,700 हो गया, इसमें आपका कुछ डीए लगेगा, इसमें आपका फिर और भी चीजें लगेंगी, तो ये 34-35,000 आपको इन हैंड पहली सैलरी आएगी। इसमें जो आयु है 18 से 40 साल तक इसमें लोग आवेदन कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप 18 से 40 के बीच में हो, आप लोग यहां पे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा हाँ या ना, उम्र के आधार पे एलिजिबल है कि नहीं है। लेकिन जो नहीं है उनके बारे में भी मैं बता दूं, इसमें क्लासेस हैं, जैसे कि अगर आप किसी कैटेगरी से हो, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इनमें सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के नियम अनुसार क्या मिलती है, छूट मिलती है। जैसे आपका एससी एसटी में 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है, तो ये छूट आपकी क्या है, ये सरकार के आधार पर आपको ये उम्र में छूट दी जाती है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा।
इसके साथ ही अगर कोई ऐसा, ये वैकेंसी क्योंकि एएनएम में है और एएनएम में क्लॉज ये लेके चलता है कि बहुत सारी बहनें जो हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं, वो क्या हैं, वो संविदा पे जॉब करती है। तो अगर कोई संविदा वाली है और उनकी एज निकल गई है, एज निकल गई है मतलब 40 साल के ऊपर हो गए, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई संविदा पे कार्य कर रहा है और उसे कार्य करते हुए 3 साल हो गया, तो उसके लिए अपर एज लिमिट 40 नहीं है, उसके लिए अपर एज लिमिट कितनी है, 43 है। एक एग्जांपल के तर्ज पे मैं आपको यहां पर समझा दूं कि कैसे इसमें जो आपके एज है, ठीक है, हाँ, इसमें जो एज है वो किस प्रकार से काउंट होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हुआ चल रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पे एज है। जैसे इन्होंने तो 18 से 40 बोल दिया, इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने 18 से 40 बोल दिया। लेकिन अगर कैटेगरी है तो जैसे मान लो कि कोई एससी कैटेगरी का है, तो उसमें 40 और 5 साल का रिलेक्सेशन वो 45 साल तक भर सकता है। अगर कोई क्या है, अगर कोई संविदा पे पहले से जॉब कर रहे हैं, संविदा पे पहले से जॉब कर रहे हैं, उसे जॉब करते हुए 3 साल, अधिकतम 5 साल तक ही छूट है, अगर मान के चलो 3 साल तक वो किया है, तो अगर जनरल कैटेगरी से है तो भी वो 43 साल की उम्र तक क्या कर सकता है, भर सकता है, मतलब उसके लिए अपर एज लिमिट 3 हो जाएगी। तो जितने साल उस क्या है, कोई संविदा पे जॉब किया है, उसे 40 में जोड़ लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। अब मान के चलो कि कोई एससी महिला 4 साल से संविदा पे जॉब कर रही है, तो एससी के लिए 45 है और 45 में 4 साल फिर जुड़ जाएगा, यानी उसके लिए कितना हो जाएगा, 49 साल क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी। तो एज के लिए यहाँ पे लगभग सभी लोग एलिजिबल होते हैं, ये बहुत बेहतरीन है, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 18 से 40 लिखा है, लेकिन रिलैक्सेशन सबको दिया जाता है। ऐसे ही अगर अनारक्षित का देखा जाए, टोटल वैकेंसी 4865 आएगी, अनुसूचित जाति की 1346, अनुसूचित जनजाति की 420, अन्य पिछड़ा वर्ग 1660 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 921। मैं आपको बता दूं, पिछली बार ये बहुत लकी कैटेगरी थी, 3 नंबर पे इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अभी मैं आपको कट ऑफ भी बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होता है, आपको करना क्या होता है, आपको फॉर्म कैसे भरना होता है। तो एक बार मुझे बस इतना आप लोग बता दीजिएगा कि आप क्या एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी के लिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होता है, एलिजिबिलिटी में आप अपनी उम्र देखते हो, साथ में देखते हो कि आपसे मांगा क्या गया, आप कितना पढ़े होने चाहिए। तो सभी लोग 12वीं पास हो कि नहीं, 12वीं पास तो सब लोग हो गए। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई 12वीं पास है, क्या बोला, अगर कोई उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष पास है तो वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन क्या सभी लोग जो 12वीं पास है भर सकते हैं? नहीं, इसके साथ साथ कुछ और भी है। क्या बोला कि अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्चा परिषद से के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 1.5 साल का होता है और 1 2 साल का होता है। तो चाहे 1.5 साल वाला चाहे 2 साल वाला सहायक नर्सेस एंड मिडवाइफ, जिसे एएनएम बोलते हैं, एएनएम का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एएनएम का सर्टिफिकेट 1.5 साल का भी होता है, एएनएम का सर्टिफिकेट 2 साल का होता है। तो ये मिनिमम 1.5 साल माने हैं, 1.5 साल वाला भी चल जाएगा, 2 साल वाला भी चल जाएगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, लेकिन इस पाठ्यक्रम में प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित होना चाहिए। अगर आप 1.5 साल वाला की हो तो इसमें भी कम से कम 6 माह का जो आपका डिलीवरी जो प्रसूति से संबंधित होता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहां से भर भर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये इनके लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। अगर 2 साल वाला है तो इसमें भी 6 महीने का कम से कम प्रसूति संबंधित होना चाहिए। सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो जो उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ के तहत पंजीकृत हो। तो मेरे ख्याल से जो भी महिलाएं, जो भी बहनें एएनएम की तैयारी करती हैं, उनके पास 1.5 या 2 साल का सर्टिफिकेट तो होता ही है और आप लोग इसके लिए एलिजिबल भी हो। तो बस अब मुझे बता देना, एज आपकी 18 से 40 होनी चाहिए, रिलैक्सेशन साथ में है ही है, और आप 12th पास होने चाहिए, साथ में एएनएम का 1.5 या 2 साल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इतना है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि क्या आप लोग इस हिसाब से एलिजिबल हो या नहीं, यस या नो कर दीजिएगा। दूसरी चीज यहां पे मैं आपको बता दूं कि एएनएम की जो भर्ती होती है, इसमें जैसे संविदा वाले होते हैं तो संविदा वाले में एज का रिलैक्सेशन तो दिया ही जाता है, इनको अलग से नंबर भी दिया जाता है और प्रत्येक साल का 3 नंबर दिया जाता है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब आते हैं, जब आपकी एलिजिबिलिटी तय हो गई है तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी जो होती है, जैसे ये पीटी के आधार पे होती है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो पीटी नहीं देते। हालांकि जब पहली बार आया था पीटी 2021 से आया था, तो बहुत कम संख्या में, मतलब न्यूनतम आप बोलो, आप ऐसे समझो 9212 वैकेंसी आई थी, 9212 वैकेंसी के सापेक्ष में केवल 17,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, मतलब 17,000 बच्चे केवल पेपर देने के लिए एलिजिबल
एलिजिबल थे, मतलब एक सीट पे केवल दो लोग से भी कम, इतना कम कॉम्पिटिशन था पिछली बार। इस बार काफी लोग सतर्क भी हुए और पीईटी दिए भी हैं 2023 में। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एएनएम का सर्टिफिकेट भी है और पीईटी 2023 दिए भी है, ये मुझे अवश्य कमेंट करिएगा ताकि मैं जान पाऊं कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो पीईटी 2023 से होगा। अब रही बात कि शॉर्ट लिस्टिंग में कितना नंबर जाएगा, तो शॉर्ट लिस्टिंग में मैं आपको बता दूं, पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार जो भी जीरो नंबर पाए थे, जो भी जीरो नंबर से ऊपर पाए थे, उन सभी को क्या कर लिया गया था, उन सभी को पीईटी में एलिजिबल कर दिया गया था। उन सभी लोगों ने क्या कर दिया था, उन सभी लोगों ने पेपर दिया था। लेकिन इस बार क्योंकि हो सकता है कुछ ज्यादा लोगों ने 2023 का दिया हो, बट फिर भी बोलूंगा 2023 का जो पीटी था काफी कठिन स्तर का था, और अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसमें 5512 पद पे थे, उसमें लगभग 15-20 नंबर पे बच्चे क्या हो गए हैं, मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो फिर से मैं बोलूंगा अगर कोई 2-3 नंबर भी पाया होगा पीटी 2023 में, तो मेरे ख्याल से इस बार भी एलिजिबल होगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग की चिंता नहीं है, बस आप 4-5 नंबर भी पाए होंगे तो आप लोग क्या हो जाओगे, आप लोग इसमें शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे। आप शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे तो आपकी एक मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के लिए आपको सबसे पहले जब इसका फॉर्म आएगा, पीटी आपने दे लिया है, अब फॉर्म आएगा तो ₹25 के लिए आपको इसका क्या, ₹25 देके आपको मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर जब आप शॉर्टलिस्ट होगे तो आपको अन्य रुपए देके, लगभग ₹165 देके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा पेपर में बैठने के लिए। जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और पेपर में पूछा क्या जाता है, पेपर में बिल्कुल जो आपको चाहिए, जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य या दायित्व क्या होगा, एएनएम के लिए आचार संहिता क्या होती है, समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी के आपसे संबंधित, खाद्य पदार्थों में पोषण होता है, विभिन्न आयु वर्ग के संतुलित आहार पूछा जाता है, विटामिन के बारे में, मानव शरीर की संरचना के बारे में, शरीर की स्वच्छता के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, संक्रमक रोगों के बारे में, उसके बाद समुदाय की बीमारियों की देखभाल के बारे में, फीवर अगर आए तो उसमें क्या करना चाहिए, बीपी, नाड़ी, श्वसन, तापमान, इन सब में क्या करना चाहिए, दवाएं के वर्गीकरण क्या होता है, सामान्य चोटें लगे तो क्या करना चाहिए, प्राथमिक चिकित्साएं क्या देनी चाहिए, फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं, फिर जो प्रसूति या गर्भावस्था से संबंधित, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असमानताएं, गर्भपात के बारे में, दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां, शिशुओं और बच्चों की वृद्धि, विद्यालय स्वास्थ्य, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता। तो ये तमाम जो कॉमन जनरल सी चीजें होती है यही आपके सिलेबस में होता है। क्वेश्चन भी नॉर्मल से होते हैं, बहुत आराम से, बहुत आसानी से होते हैं। कट ऑफ जैसे पीटी 2021 में पिछली बार शून्य था, मैं इस बार बोल दे रहा हूँ कि 3-4 नंबर होगा, शून्य के समकक्ष ही मानो, सभी लोग इस पे एलिजिबल रहोगे 5212 पदों के लिए, 5272 पदों के लिए। फाइनल कट ऑफ जो आपका गया था, अगर देखा जाए जो 17,000 बच्चों ने दिया था, ये आप यहाँ पे देखोगे तो 9212 पदों के सापेक्ष कुल 8,831 ही बच्चे क्या हुए थे, यहाँ पे टोटल शॉर्टलिस्ट हुए थे, लगभग कुछ 200-300 सीटें क्या हो गई थी, खाली हो गई थी, जो भी खाली रहे हों। हालांकि इस पेपर को दिए जो थे वो 17,000 लोग, कितने शॉर्टलिस्ट हुए थे अगर आप देखोगे तो 17,713 बच्चे ही मुख्य परीक्षा दिए थे, इतने ही बच्चे पेपर में बैठे थे। अब सोचो 9,000 वैकेंसी के लिए 17,000 बच्चे ही पेपर दे रहे, कितना कम कॉम्पिटिशन रहा होगा। लेकिन एक चिंता करने वाली बात आपको यह है कि जब केवल 17,000 फॉर्म में बैठे, उसके बाद भी डीबी से बाहर हुए होंगे, फिर भी आपका अनारक्षित कट ऑफ 50 पहुंच गया था। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको एएनएम के बारे में, उनको एक जनरल चीजें पूछी जाती हैं उसके बारे में पता होता है, तो 40-50 नंबर लाना कोई बहुत कठिन बात नहीं होती है, आसानी से आ जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो संविदा वाली नर्सें होती हैं उनको क्या करती है, उनको सरकार ने अलग से नंबर भी देती है, और प्रत्येक साल के लिए 3 नंबर, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक दिया जाता है, और अगले हर साल के लिए आपको 3-3 अंक ही दिया जाता है। अधिकतम आपको कितना दिया है, अधिकतम आपको 15 अंक दिया, मतलब कि 5 साल तक का ही रिलैक्सेशन दिया गया है एज में भी, और यहाँ पे भी मान के चला गया कि अगर आप अधिकतम 5 साल संविदा पे जॉब कोई की हो तो 5 साल में आपको प्रत्येक वर्ष का 3 नंबर मिलेगा, ऐसे आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 15। कोई अगर एक ही साल अगर अभी तक संविदा का हुआ है तो उसे 3 नंबर मिलेगा, किसी का 2 साल हुआ है तो 3×2=6 नंबर मिलेगा, किसी का 3 साल हुआ है तो 3×9 नंबर मिलेगा, और ये नंबर आपको बोनस में मिलेंगे, मतलब इस 100 नंबर में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। तो सपोज करो 100 नंबर के पेपर में आपने 35 नंबर पाया और आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, तो 35 और 2=45,
तो जो जो बोल सकते हो कि कोई संविदा पे नहीं है उसको 35 का 35 ही रह गया, और कोई संविदा पे काम किया है तो उसको 10 नंबर अतिरिक्त कितने 4 सालों का कितना मिल जाएगा, उसे 10 नंबर या 15 नंबर जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये संविदा वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, बट इसमें आप लोग ऐसा नहीं कि जो संविदा वाले बच्चे हैं वो सीधी भर्ती वाले बच्चों से दुश्मनी मोल लें, जो सीधे भर्ती वाले हैं वो ये बोल रहे अरे संविदा वालों को फ्री में नंबर बांटा जा रहा है। आप इधर दिमाग लगाने से अच्छा आप अपनी तैयारी में दिमाग लगाइए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टीम परीक्षा प्लस इस बार इतना बेहतरीन, इससे पहले हम लोगों ने मुख्य सेविका का बैच चलाया था, हाईएस्ट सिलेक्शन बैच इस बैच से होने वाला है मुख्य सेविका से, मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा। और फिर से आपको आश्वासित करता हूं, फिर से आपसे वादा करता हूं कि एएनएम का बैच हम लोग निकालने जा रहे हैं, महिला कार्यकर्ता जो आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला है, इसका बैच बहुत कम दाम में हम लोग बहुत न्यूनतम शुल्क में निकालने जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन की गारंटी भी मैं आपको आज ही प्रॉमिस करता हूं। तो इस पूरे बैच में कंप्लीट आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा। एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि जितना पढ़ा दिया जाए बस आप उतना पढ़ लीजिए, आप एक शब्द बाहर का नहीं पढ़िएगा, बस उतना पढ़ लेंगे आपके 100 में से कम 80 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे, केवल उतना पढ़ लेंगे तब, जो आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है और बहुत और अच्छे से मतलब पूरी दम लगा देंगे, तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं 100 में 100 आपका फंसा दूंगा। बट फिर भी रही बात कि मैं 100 में 100 पढ़ाऊंगा, तो जितना भी ऊंचा हम लोग लक्ष्य रखते हैं तीर उससे थोड़ी नीचे ही जाती है। प्रैक्टिकल बातें हम लोग करेंगे, 100 में 100 लाना एक हवा हवाई बातें हो जाती है, लेकिन 100 में 80 नंबर लाना एक प्रैक्टिकल बातें, मेहनत करके 100 में 80 लाया जा सकता है। लेकिन सिलेक्शन तो आपका 50 से 60 के बीच में ही हो जाना है, तो हम तब भी टारगेट रखेंगे कि 80 से कम का हम लोग टारगेट ना लेके चले, ताकि किसी भी कीमत पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। आप लोग को करना क्या है, परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं गूगल प्ले स्टोर पर जाना है तो आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में परीक्षा प्लस ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीच बीच में आपको जानकारी देता रहूंगा, और पूरे कोर्स के बारे में एक बहुत बेहतरीन जानकारी भी मैं जल्द लेके आऊंगा। जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, बहुत न्यूनतम शुल्क होगी, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन होगा 50% ऑफ पे चलेगा, और 4 दिन बाद फिर इसका क्या हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूं, बाकी पूरी बैच की डिटेल में जल्द ही लेके आऊंगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।